खंडवा सहित प्रदेश में कहीं भी किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए संपर्क करें गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन, बड़ा मम चौराहा खंडवा। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम श्रृंखला के समापन अवसर पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम किशोर कुमार सभागृह खंडवा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, मांधाता विधायक नारायण पटेल, महापौर खंडवा अमृता अमर यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष कंचन मुकेश तनवे के अलावा खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, एसपी विवेक सिंह और जिला पंचायत सीईओ नंदा भलावे कुशरे, अपर कलेक्टर एसएल सिंगाड़े सहित विभिन्न विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खंडवा सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस के समापन अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को बधाई दी। इस दौरान कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक कृषि पुस्तक का विमोचन भी किया गया, साथ ही पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र का भी वितरण किया गया। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के समापन अवसर पर जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें संगीत महाविद्यालय संयुक्त परियोजना कन्या छात्रावास खंडवा एवं अन्य स्कूलों की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का संचालन संदीप जोशी द्वारा किया गया। आपको बता दें कि बेहद शानदार यह कार्यक्रम रहा। सभी अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया उन्हें सभी मौजूद सदस्यों ने बधाई दी। मध्यप्रदेश का जो विकास हुआ तो मध्यप्रदेश जिसको पिछड़ा राज्य कहते थे, जहां ना सड़क थी, ना पानी था, ना बिजली थी, ना स्कूल भवन थे, ना रोजगार के अवसर थे, लेकिन आज हम हमारे मध्यप्रदेश में पिछले 20 वर्षों के अंदर जो विकास की गाड़ी को तेज गति के साथ चलाने के लिए, जो दौड़ाने के लिए हमारे जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के अथक प्रयासों से आज हमारा मध्यप्रदेश हर क्षेत्र के अंदर अव्वल है। कई मामलों में तो हमने पूरे देश मध्यप्रदेश का, हमारे देश के प्रधानमंत्री हर चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों को उसी कदम में अवार्ड की बात हो, हर क्षेत्र में हमने व्यक्ति विकास में भी बहुत सारी उपलब्धि हासिल की है। और अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से, मेरे दल की तरफ से, संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपके अथक प्रयासों से हमारा मध्यप्रदेश विकास के पथ पर चल रहा है। और आज कई युवतियों को यहाँ पर जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए, चाहे वो सांस्कृतिक विभाग में हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे शासकीय सेवाओं में हो, ऐसे कई लोगों को आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और आज हमारे हाथों यहाँ पर भी छाबड़ा हार्डवेयर प्लाईवुड एवं पेंट्स, बड़ा बम मिश्र हॉस्पिटल के सामने एक बार जरूर विजिट करें अथवा संपर्क करें।